क्रिसमस और नव वर्ष के चलते हिमाचल में एकाएक पर्यटकों की आमद एकदम बढ़ जाती है, जिसके चलते सोलन, कसौली, धर्मपुर, चायल और कंडाघाट के क्षेत्रों में होटल व्यवसायियों को जैसे पंख लग जाते हैं और सभी होटल भर जाते हैं। यही कारण है कि इस दौरान कई प्रकार की आपराधिक घटनाएं भी हो जाती हैं, जिस पर अंकुश लगाने के लिए सोलन पुलिस मुस्तैद हो चुकी है और अप्रिय घटना ना हो इसके लिए पुलिस अधिकारियों को अवश्य दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। अधिक जानकारी देते हुए एसपी सोलन मधुसूदन शर्मा ने जानकारी देते हुए बताया कि सभी होटलों को अवश्य दिशा निर्देश जारी किए गए हैं, जिसमें उन्हें बताया गया है कि वे बिना किसी पहचान पत्र के पर्यटकों को होटल में प्रवेश नहीं लेने दें। साथ ही उन्होंने कहा कि पर्यटकों को सोलन शिमला जाते समय किसी भी तरह की परेशानी ना हो, इसके लिए पुलिस अधिकारियों को विशेष आदेश दिए गए हैं। क्रिसमस आने वाली है और नए साल भी आने वाला है, तो इस सिलसिले में सोलन पुलिस ने पुख्ता इंतजाम किए हैं। हमने अपने जो थाना अधिकारी हैं, प्रभारी हैं, उनको इसके बारे में ब्रीफ कर दिया है। रोड के ऊपर पुलिस के पुख्ता इंतजाम किए जाएंगे और ये भी इंश्योर किया जाएगा कि जो सैलानी हैं, जो टूरिस्ट हैं, उनको किसी तरह की तकलीफ ना हो। होटल वालों को जरूरी सलाह दे दी गई है और हम ये इंश्योर करेंगे कि जो भी व्यक्ति होटल में रहता है उसका ठीक तरीके से उसका इंदराज किया जाए, उसका जो भी एड्रेस वगैरह है वो ठीक तरीके से लिखा